Welcome to the world of chemistry. Myself, Professor Sanket Jayate. Today, we are going to discuss about the basics of coordination compounds. What is meant by coordination compounds? The compounds which contains coordinate bond. जैसे हम covalent compounds कहते हैं. What is meant by covalent compounds? The compounds containing covalent bond. जिसमें covalent bond होगा, उसे हम covalent compounds कहेंगे. और वैसे ही जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहेंगे. फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास ए और बी ऐसे दो एटम है और हमें बॉन्ड बनाना है इन बिटवीन ए एंड बी. फॉर ईच सिंगल बॉन्ड वी रिक्वायर टू इलेक्ट्रॉन्स. एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें दो इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं. फिर ये दो इलेक्ट्रॉन्स कौन देने वाला है? आइदर ए और बी. इफ वन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ए एंड वन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय बी, इट इज कॉल्ड द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, इट मीन्स द बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड. इन सेकंड केस, सपोज अगेन वी आर हैविंग टू एटम्स ए एंड बी. Now in this case, if we have to form a single bond between A and B, we don't have an electron for the bond. In such cases, suppose in our example we are having A and B. हमारे पास A और B है और A के पास electrons नहीं है. Suppose A is electron deficient. अगर ए के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ए और बी के बीच में बॉन्ड कैसे तैयार होगा? वी रिक्वायर टू इलेक्ट्रॉन्स फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन. नाउ इन सच कंडीशंस बी इज गोइंग टू गिव इट्स टू इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड. फिर ऐसे केस में बी इसके उसके दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए देगा. नाउ इन सच केसेस either two atoms, either A or B, either one atom donates its two electrons to for bond formation, such bond is called as coordinate bond. This is the difference between covalent bond and coordinate bond. Covalent bond में दोनों atom एक एक electron share करते हैं for the bond formation. और coordinate bond में दोनों एटम में से कौन सा एक एटम ही दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन. एंड सच बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इस डायग्राम में सेकंड वाले इसमें हम देख सकते हैं कि बी ने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ए को. सो बी विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर एंड ए विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. सो मेटल्स, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार करने के लिए दो एटम्स चाहिए. दो एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए. तो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होगी, जिसके पास स्पेस होगी, जगह होगी, वो इलेक्ट्रॉन लेगा. सो द मेटल्स हैविंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऑलवेज मेटल विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. फिर अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो हमें मिल गया. ए के जगह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हम यूज करेंगे मेटल्स. इलेक्ट्रॉन डोनर्स कौन रहेंगे? फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास रहते हैं? The compounds or the atom having lone pair of electrons. Such compounds are called the ligands. मतलब हमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी मिल गया और डोनर भी मिल गया. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? लिगैंड डोनेट करेगा. इन दिस डायग्राम, this is the general representation of the coordination compound. Coordination compound
ऐसे फॉर्मूले में हम लिख सकते हैं, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैटायन. द फर्स्ट सी स्टैंड्स फॉर द कैटायन, देन कम्स द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इनसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट, द स्क्वायर ब्रैकेट इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इनसाइड दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑलवेज स्टार्ट्स विद द मेटल फॉलोड बाय लिगेंड एंड देन इट्स नंबर. स्मॉल एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लिगेंड्स, कैपिटल एल द लिगेंड्स, कैपिटल एम मेटल, दिस सी सी रिप्रेजेंट द कैटायन. देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑलवेज राइट डाउन द नेट चार्ज, नेट चार्ज ऑन द होल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. इट इज अ समेशन ऑफ ऑल चार्जेस ऑफ कैटायंस, मेटल्स, लिगेंड्स एंड एनायंस. इट मे बी आइदर पॉजिटिव, आइदर नेगेटिव और न्यूट्रल. देन लास्ट कम्स द एनायन. सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. ऑलवेज देर इज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. Inside coordination sphere always starts with the metal followed by ligands. Outside coordination sphere, before coordination sphere always there will be a cations, and outside coordination sphere always there will be anions. इसका मतलब हमें हमेशा cation जो coordination sphere के starting में रहते हैं उसे हमें cation ही कहना पड़ेगा, वो cation ही रहते हैं, और ending में हमेशा anion ही रहते हैं. Now some common terms regarding the coordination compounds. The first one is the CMI. CMI means central metal ion. अब metal हमने ले लिया, metal मतलब क्या है, जो electron accept करेगा ligand से उसे हम बोलेंगे metal. फिर ये central metal ion क्यों बोला, क्योंकि ये examples देखो ऊपर, हर स्ट्रक्चर में हमें मेटल सेंट्रल में ही दिखेगा. जैसे ये पहला स्ट्रक्चर है लीनियर, इसमें हमेशा मेटल क्या रहेगा, सेंटर में रहेगा, उसके आजू बाजू में लिगेंड्स रहते हैं. नेक्स्ट वन द ट्राइगोनल प्लानर, अगेन सेम कंडीशन. द थर्ड वन स्क्वायर प्लानर, यानी कौन सा भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर लो उसमें मेटल हमेशा सेंटर में रहेगा, इसलिए उसको बोला सेंट्रल मेटल आयन विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स. द फर्स्ट डेफिनेशन. सेकंड लिगेंड, व्हाट आर लिगेंड्स, विच हैव एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल आयन. सो लिगेंड्स ऐसे कंपाउंड्स रहेंगे, ऐसे स्पेसिस रहेगी, ऐसा आइटम रहेगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे लिगेंड्स. थर्ड वन कोऑर्डिनेशन नंबर. अब हमें यह तो पता चला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या रहते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस में तैयार होता है, मेटल और लिगेंड में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चाहिए, तो मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. तो जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड तैयार होगा, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स वेरी कर सकते हैं, कितने लिगेंड्स है, लिगेंड्स की डेंटिसिटी क्या है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स वेरी होगे. फिर एक कॉम्प्लेक्स में कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स है उसे बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बिटवीन सीएमआई एंड लिगेंड. मेटल और लिगेंड के बीच में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार हुए उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डायग्राम लीनियर में देखो, हाउ मेनी बॉन्ड्स बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड्स, टू बॉन्ड्स, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस वन इज टू. नाउ गो फॉर द ट्राइगोनल प्लानर, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स, थ्री. मूव टूवर्ड्स द फोर स्क्वायर प्लानर, हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन नंबर, फोर,
because four coordination bonds are between CMI and ligands are there. This is called coordination number. Next, coordination sphere. कोऑर्डिनेशन स्पीयर मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ हम मेटल और लिगेंड्स ही लिखते हैं. सो द डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड एंड सच कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन स्पीयर. उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करेंगे. जैसे ये एग्जांपल में लिखा है मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन में कि मेटल और लिगेंड को कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है. सो उस स्क्वायर ब्रैकेट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर. दिस इज द बेसिक अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द वर्नर्स थ्योरी. व्हाई देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी? बिकॉज दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द compound. We are having the start with the cations, again coordination sphere, and ends with the anion. And what are the proofs for that? Whether there is a existence of coordination sphere, whether there is a bond between metal and ligands. Why we have written only ligands and metals in the coordination sphere and not the cations and anions? ये जो generally हमने कॉम्प्लेक्स लिखा है वो ऐसे ही है, इसका प्रूफ क्या है? एनायंस को मैंने बाहर क्यों लिखा, कैटायंस को बाहर क्यों लिखा, लिगेंड्स ही अंदर रहते हैं. सो इसको प्रूफ चाहिए. तो ये किसने रिप्रेजेंट किया या इसने प्रूफ किसने दिया? वर्नर ने दिया. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे वर्नर्स थ्योरी, प्रूव द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पीयर, व्हाई लिगेंड्स आर इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पीयर, why cations and anions are outside the coordination sphere. So next lecture zarur dekhiyega, next video for Werner's theory. Okay, thank you.